एक गांव में पुट्ठा अपनी माँ शीला और पत्नी शर्मिली के साथ रहता है। पुट्ठा अपने नाम की तरह दिमाग से भी पुट्ठा और आलसी और बुद्धू है। एक दिन सुबह के 8 बज गए। पुट्ठा की पत्नी शर्मिली ने उसे उठाया। अजी सुनते हो, सुबह हो गई है, अब तो उठ जाइए। सूरज सर पर चढ़ाया है, कब उठोगे? ये तो रोज होती है, मुझे सोने दो। मैं तुमसे रोज कहता हूँ कि मुझे मत जगाया करो। हाँ, इतनी देर तक कोई नहीं सोता है, सभी उठकर अपने अपने काम पर चले गए हैं। मैं रोजाना काम पर जाता हूँ और फिर तुम दोनों की डांट भी खाता हूँ, इसलिए मेरा काम पर ना जाना ही अच्छा है। हाँ। तभी उसकी माँ शीला आई और कहा, अरे उठ जा मेरे लाल, उठ जा, जीवन चलाने के लिए कमाना बहुत जरूरी होता है। और इस सूरज से कहो थोड़ी देर से आया करे, अभी तो सोया था। करवट लेते ही तुम दोनों शुरू हो गई। ठीक है माँ, मैं काम पे जा रहा हूँ। जल्दी से नाश्ता कर और कुछ काम देख। माँ, आप मुझे छोटा बच्चा समझती हैं, लेकिन मैं बहुत समझदार हूँ, आज मुझे कोई भी पागल नहीं बना सकता है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी संभल कर जाना। लेकिन ध्यान से जी, आपके भोंदूपन का सब लोग फायदा उठाते हैं। पुट्ठा गांव में काम तलाशने गया। अरे आओ पुट्ठा, कहो क्या हाल है? अरे लाला जी, एकदम चकाचक हूँ, कुछ काम वाम कर लिया करो। क्या बोले जा रहा है पुट्ठा, पूरा पागल हो गया है क्या? यहाँ दुकान पर क्या झक मार रहा हूँ, काम ही पर हूँ। अरे लाला, थोड़ी सी जुबान फिसल गई है, मैं आपके पास काम की तलाश में आया हूँ, मेरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिए। सारा गाँव जानता है तुम एक नंबर के भोंदू हो। भोंदू, मैं तुमको काम दे दूंगा लेकिन तुम नुकसान करके आ जाओगे। भोंदू होता तो इतनी सुबह काम की तलाश करता क्या? अब मैं समझदार हो गया हूँ और अब कोई नुकसान नहीं करूंगा। हाँ, ये बात तो सही कही, दुकान में रखी रखी ये रजाइयां सड़ जाएंगी, इस बुद्धू से ये काम ही करवा लेता हूँ। लगता है मोटा काबू में आ गया, शर्मीली और माँ बिना बात के रोज ताने मारती है, देखो मैंने कैसे अपनी बुद्धि चलाई। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है मैं तुम्हें दो रजाई देता हूँ, तुम इनको बेच कर आओ। और हाँ, ध्यान रहे कि 1000 रुपए के बेचने, इससे कम में मत बेचना। और दोनों रजाई बेचने के बाद तुम मुझे 2000 रुपए लाकर दोगे, फिर मैं तुमको आज की दिहाड़ी दे दूंगा। अरे वाह, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं पूरे 1000 रुपए में बेचूंगा। पुट्ठा दोनों रजाइयां उठाकर गांव में चला गया। रजाई ले लो रजाई, बहुत अच्छी अच्छी रजाई, ये ठंड से बचाए गर्मी बढ़ाए, और नरम नरम रजाई। ए रजाई वाले, ए भैया रुको तो जरा, ए एक रजाई कितने की है भैया? पहले आप रजाई देख लीजिए, एकदम नरम रजाई है और दाम भी बढ़िया। हाँ हाँ भाई, दिखाओ दिखाओ, ये देखिए, ये बहुत अच्छी रजाई है, आप इसे लेकर चाहे रेगिस्तान में चले जाओ, बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, बता रहे भरी गर्मियों में आपको इस रजाई की जरूरत पड़ेगी। हाँ, रेगिस्तान में? शायद ये आदमी एक नंबर का बुद्धू है, इसका अभी पपलू बनाता हूँ, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अच्छा भाई, ये इतनी अच्छी रजाई है क्या? हाँ हाँ भैया, मालिक ने बस मुझसे 2000 रुपए लेकर ही वापस आने को कहा है। हाँ, फिर तो मुझे दोनों रजाई दे दो, लेकिन मैं तुमको 1500 रुपए ही दूंगा। नहीं नहीं भैया, ऐसा कैसे? अरे क्या हुआ, इससे ज्यादा की नहीं है, मैं इतने में ही खरीद सकता हूँ। नहीं नहीं, मालिक ने बोला था कि 1000 में ही बेचनी है, इसलिए मैं 1000 में ही दूंगा। क्या लगता है बात बन गई, तुम मुझे दोनों रजाई 1000 रुपए में दोगे? हाँ भैया, इससे कम में नहीं दूंगा। ठीक है, ये 1000 रुपए लो और मुझे दोनों रजाई दे दो। आदमी रजाई खरीद कर चला गया। अब मजा आ गया है, पहला ग्राहक मिला और पहले कोई मैंने मुनाफे में रजाई बेच दी। मालिक ने बोला था कि 1000 रुपए में रजाई बेचनी है और 2000 रुपए लेकर आने हैं, लेकिन ये क्या, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए बचे हैं। मैं अब मालिक को 2000 रुपए कहाँ से लाकर दूंगा, मेरा फिर से बुद्धू बना दिया। नहीं नहीं, शायद मालिक मेरा दिमाग देखना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कहा होगा। अब मैं 1000 रुपए के 2000 रुपए बनाकर लेकर जाऊंगा।
पुट्ठा जेब में 1,000 रुपए लेकर घूमता रहा, लेकिन उसे कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। मैं अब क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, तुमने एक आदमी को देखा जो रजाई लेकर जा रहा हो? भाई, अभी थोड़ी देर पहले तुम ही तो रजाई लेकर जा रहे थे। अरे बुद्धू हो क्या, मैंने किसी और को देखा तुमने? नहीं भाई, नहीं देखा, लेकिन हुआ क्या है, आज दोबारा कोई बुद्धू बना गया क्या है? भाई, वो मेरी एक रजाई फ्री में ले गया, मुझे बातों से बेवकूफ बना गया। उसकी भी जरूरत नहीं पड़नी थी उसे, क्योंकि तुम तो हो ही बेवकूफ। पुट्ठा लाला की दुकान पर। अरे आओ आओ पुट्ठा, बहुत जल्दी ही तुमने 2 रजाइयां बेच दी। लाओ मेरे 2,000 रुपए दो। इतने ही मिले हैं लाला, आपकी रजाइयां थोड़ी पुरानी हो गई थी, इसलिए 1,000 में ही बेच दी। सच सच बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मेरा बुद्धू बना रहे हो। रुको तुम, राका जरा इस बुद्धू से सच उगलवाना। अभी लो लाला जी, इसकी अच्छे से खातिरदारी कर देता हूँ। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। बेचारे पुट्ठे की अच्छे से धुलाई कर दी, और पीटने के बाद पुट्ठा, लाला इतनी खातिरदारी की क्या जरूरत थी। पुट्ठा के घर पर शर्मीली उसकी सिकाई करते हुए, कहा था ना समझदारी से काम करना, आ गए ना पिटकर। समझदारी तो बन रहा था शर्मीली, लेकिन कमबख्त चाहते ही नहीं कि मैं समझदार बनूं। हाय हाय, बहुत दर्द है। ओए हुई। अगले दिन सुबह, अरे मेरे लिए पानी लेकर आओ। लाती हूँ, मैं से कल रात की धुनाई के बाद प्यास तो लगेगी ही। वो कल वाली बात छोड़ो, समझी? अब देखना पुट्ठा बिल्कुल बदल गया। हाँ, इसलिए मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो। हाँ ठीक है, आज भी कहीं जाओगे बुद्धू बनने के लिए? अब पुट्ठा को बुद्धू बनाना नामुमकिन नहीं, बल्कि मुमकिन है। शायद आप कुछ उल्टा बोल गए हो। बुद्धू की समझदारी किसी से देखी नहीं जा रही है। ओ समझ गई, आज ध्यान से ये काम करके आना। ये कुछ रुपए डाक खाने में जमा करवा देना, और ये 100 रुपए का राशन लेते आना, समझे? ठीक है माँ, मुझे आशीर्वाद दो। हाँ दे दो, ताकि आज फिर इनका कोई बुद्धू बनाकर भेज दे। पुट्ठा गांव के बाहर से जाता हुआ, तभी उसे एक पुराना दोस्त सुकड़ा मिल गया। अरे भाई कैसे हो तुम, इतने दिनों बाद दिखे हुए हैं। अरे सुकड़े तू, कब आया शहर से? है बड़ा टिंच लग रहा है भाई, टिंच है, काला चश्मा, लाल कमीज, कहीं हीरो हीरो तो नहीं बन गया भाई तू? तू बता दे भैया, पहले से सुधरा या भैया हाल अभी भी है? भाई अब तुझसे क्या छुपाऊं यार, जो भी काम करता हूँ सब बेवकूफ बना जाते हैं। ससुरा पूरे गांव में बुद्धू बुलाने लगे हैं यार। अभी डाकघर जा रहा था, माँ ने कुछ पैसे जमा करवाने को दिए, लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ, अब कोई मुझे बुद्धू नहीं बना सकता। हाँ यही तो सुनना चाह रहा था, सुकड़ा का तो काम ही यही है, दूसरों को बुद्धू बनाने का, और आज तो बुद्धू अपने आप चल कर आ गया। अरे आज से तुम्हारा मजाक कोई नहीं बना पाएगा, है? तुम्हारा दोस्त जो वापस आ गया भैया, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है, आज इसको लूट लेता हूँ, अच्छा मौका है। क्या हुआ भैया, आपके पास मेरे लिए कुछ खास है क्या? है क्या है वो, बताओ बताओ। मैं तुमको एक ऐसा बीज दे सकता हूँ जिनको बोने के बाद सोना निकलेगा भैया। हाँ क्या, सच में? और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर तुम सोने के बीज नहीं खरीदना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को बेच दूंगा। नहीं नहीं, सोने के बीज मुझे दे दो, मैं तुमको 1,000 रुपए देता हूँ। ठीक है, ये 1 किलो सोने के बीज हैं, अपने खेत में जाकर बो दो, सोने के पेड़ बाहर निकल आएंगे, लेकिन तुम इनका ध्यान भी रखना और समय पर पानी भी लगाना पड़ेगा भैया। मुझे ये बीज गेहूं के क्यों लग रहे हैं भैया? अरे मैंने ये जानबूझकर गेहूं के रंग के बना दिए हैं। तुम खुद सोचो कि अगर सबको पता होगा कि ये सोने के बीज हैं तो सब खरीदना चाहेंगे कि नहीं, इसलिए मैं ये छुपा कर रखना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद भैया, ये आपने मुझे दे दिए, अब मैं घर जा रहा हूँ, मैं कल इनको बो दूंगा। है और घर की तरफ आते हुए पुट्ठा, अब देखना माँ और शर्मीली, सबको मेरी बुद्धिमानी पर नाज होगा। हाँ और हो भी क्यों ना, पुट्ठा तुमने काम ही इतनी होशियारी का किया है, अपने दोस्त सुकड़ा को बातों में फंसाकर उससे सोने के बीज ले लिए। अरे पुट्ठा वाह, बेटा इतनी देर में आया है। माँ आज खुशी का दिन है, आज मैंने बहुत बड़ा काम किया। ऐसा क्या किया है? मुझे सोने के बीज मिले,
मैं कल सुबह खेत में सोने के बीज बो दूंगा और फिर हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। लगता है आज सच में पागल हो गया है। बहू, अरे ओ बहू कहाँ गई? इसको पानी पिलाओ। हाँ माँ। इससे अच्छा सुबह घर से बाहर काम पर नहीं भेजते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन अब पागलपन का इलाज करना पड़ेगा। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। अब हमें पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे खेत में सोना होगा सोना। तुम सब मुझे बुद्धू समझते थे ना, देखा मैंने अपनी अकल लगाकर कैसे सोने के बीज हासिल कर लिए हैं। पुट्ठा ने आज दिन भर की सारी बात अपनी माँ और पत्नी को बताई। अच्छा, मुझे अब समझ आया। रुकिए माँ जी, हम भी इसमें कुछ कर सकते हैं। क्या? शर्मीली ने अपनी सास शीला के कान में कुछ कहा। तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रही हो भाई? कुछ नहीं बेटा, मैं कह रही थी मेरे पास और भी सोने के बीज हैं। क्या माँ, सच में? हाँ, मैंने छुपा कर रखे थे। अब कल मिलकर सोने के बीज खेतों में बो देंगे और जिसके बाद हमारी धरती भी सोना उगलेगी। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब जल्दी से सुबह हो जाए बस। अगले दिन सभी खेत पर पहुँच गए। और पूरे खेत में गेहूं बो दिए, लेकिन पुट्ठा उसे सोना समझ रहा था, इसलिए उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब सोने के बीज बो दिए हैं, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना। हाँ माँ, मैं किसी को नहीं कहूंगा। हमें खेत की सिंचाई नराई करनी होगी और पशुओं से देखभाल भी करनी होगी। माँ आप बेफिक्र रहो, मैं अब सारा काम खुद देख लूंगा। पुट्ठा खेत में मेहनत करने लगा। शर्मीली खेत में ही पुट्ठा को खाना देकर आती। पुट्ठा ने अब सबसे बातें करनी बंद कर दी थी, इसलिए कोई भी उसका फायदा नहीं उठा पा रहा था। पुट्ठा सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहा था। और इसी तरह 3-4 महीने बीत गए। पुट्ठा की माँ शीला खेत पर आई। माँ, हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या हुआ है बेटा, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। माँ आप खेतों में देखो, सोने के नहीं बल्कि गेहूं की फसल आई। तो फसल पकने वाली है, तुम इसके अंदर देखना कि सोना ही निकलेगा। माँ आप भी बुद्धू बनाने लगी हो। कई बार कोई हमारा नुकसान करके खुश होता है, लेकिन वो जानता नहीं है कि उसने अनजाने में ही एक नया रास्ता दिखा दिया है। तुम फसल पकने तक इंतजार करो। शीला चली गई, पुट्ठा फिर काम पर लग गया। खेत में फसल का सारा काम हो गया, लेकिन खेत में गेहूं के ढेर लगे थे। शीला ने पुट्ठा से कहा, बेटा शायद हमारे साथ सच में धोखा हो गया, यहाँ तो सोना नहीं है। नहीं माँ, मुझे समझ आ गया कि असली सोना यही है, और अब से मैं यही काम करूँगा और कोई पागल भी नहीं बना पाएगा। पूरा परिवार खुश हुआ और खेती करने लगा। सभी खुशी खुशी रहने लगे।